YouTube family, welcome back to my YouTube channel. This is Charu Asopa. और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम बारिश जैसा, इतने सारे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ी देर में बारिश भी होने ही वाली है. और ऐसे मौसम में अगर आप पकौड़े ना खाएं और चाय ना पिए तो फिर क्या फायदा. तो आज मैं अपने इन हाथों से पकौड़े बनाने वाली हूँ और चाय बनाने वाली हूँ, और उसके बाद बैठ के उसको एंजॉय करने वाली हूँ इस बारिश के मौसम में. तो आर यू रेडी? लेट्स गो. दो बड़े चम्मच का बेसन लिया है. इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, थोड़ा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और हींग. ये मैं सारे मसाले इसमें डाल दूंगी. और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी वाटर. तो ये पानी मैंने लिया और मैं इसमें धीरे धीरे पानी डालते रहूंगी और उसको साथ के साथ मिक्स करते रहूंगी ताकि इसमें लम्प्स ना हो. तो ये घोल अच्छे से तैयार हो गया है इसका. इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे क्योंकि आलू और पालक के लिए हमें गाढ़ा घोल चाहिए. तो ये थोड़ा थिक बने रखा है इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं ये. सो ये रेडी हो चुका है, अब इसको साइड में रख देंगे. अब मैं तैयार करूंगी. तो अब मैं प्याज के पकौड़े बनाने के लिए जो मुझे घोल तैयार करना है उसके लिए मैंने ये कुछ दो बड़े चम्मच बेसन है. उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, हल्दी, नमक, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा. तो ये सब मैं इसमें अनियन के पकौड़े बनाने के लिए हम अनियन भी इसी में डाल देंगे क्योंकि वो घोल के साथ मिक्स होता है. ये कर दिया. सो अब इस अनियन को इसमें डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि अनियन का पानी छूटता है, प्याज का पानी छूटता है, तो इसलिए हम पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद इसमें पानी डालेंगे ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए. तो इसको मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि ये सब अलग अलग होने चाहिए, इसलिए इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना होगा. घोल है ये तैयार हो गया है भजिया का पूरा. इसको भी हम साइड में रख देंगे. सो ये मेरा प्याज के पकौड़े के लिए पूरा मिक्सचर तैयार हो गया है. उसके बाद आलू के और पालक के पकौड़े बनाने के लिए ये मिक्सचर तैयार हो गया है. और अब हम स्टार्ट करेंगे पकौड़े बनाना. इसमें हम कढ़ाई में तेल डालेंगे. ऑयल डाल दिया है, इस ऑयल को गरम होने देंगे अच्छे से. I'm so excited, I'm going to have pakoda. ये तेल बहुत सारा है तो आई थिंक गरम होने में थोड़ा टाइम लेगा. जब तक हमारा तेल गरम होता है मैं धनिया की चटनी तैयार कर लेती हूँ. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चटनी कैसे बनाऊंगी. धनिया की चटनी बनाने के लिए मुझे चाहिए थोड़ा धनिया, मैंने दो हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा जीरा, लहसुन और एक नींबू और नमक. तो
सबसे पहले इसमें धनिया डाल रही हूँ। तो ये मैंने धनिया डाल दिया है। अब एक बार नींबू साइड में करके इसमें ये मैं 6 लहसुन के, हाँ तो मैंने ये 6 लहसुन की कली डाली है, 2 छोटी हरी मिर्च डाली है और साथ में डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और जीरा। और इसमें हल्का सा डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, 1 नींबू, 1/2 हमारी तैयार हो गई है। तो चटनी को जरा साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आलू है मैंने इनको काट के और पानी में डुबो के रखा था, पानी में डिप करके रखा था ताकि वो काले ना हो। पकौड़े बनाने के 5 मिनट पहले आप इनको पानी से बाहर निकाल के इस तरह से टिश्यू के ऊपर रख दे ताकि इनके अंदर से सारा पानी निकल जाए। अब तेल हमारा गरम हो चुका है तो पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले प्याज के पकौड़े बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं वापस से एक बार इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके और अब 1 स्पून ऐसे इस तरह लेके, और गाइस दूर से लगेगा नहीं तो उसके छींटे उड़ के आपको लग सकते हैं और आप हो सकता है कि जल जाए। ये हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। मैं टिश्यू के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि जो भी एक्सेस में जो भी ऑयल है वो जितना ऑयल हम निकाल सकते हैं उतना तो निकाल दें, क्योंकि डीप फ्राई तो है ही, लेकिन फिर भी जितना बच सकते हैं अपनी तरफ से उतना अच्छा है। तो ये हमारे प्याज के पकौड़े बन चुके हैं। अब आ रही है पालक के और आलू के पकौड़े बनाने की, तो अब हम ये बनाते हैं। तो ये जो मिक्सचर था इसके अंदर अब हम जितने भी आलू हैं ये डाल देंगे। तो इस तरह ये हमने आलू इसके अंदर डाल के अब इसको मिक्स कर दिया है, आलू को पूरे मिक्सचर में अच्छे से घुल जाएंगे। अब हम अब इसमें से 1-1 आलू ऐसे निकाल के हम डालते रहेंगे। हल्के से गोल्डन ब्राउन से हो रहे हैं, अब ये पक चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ।
ये अब आई है पालक के पकौड़े बनाने की। तो पालक ऐसे हमने एक लीफ लिया है और उसको ऐसे इसके अंदर पूरा डिप करके अच्छे से जस्ट पुट इट इन द ऑयल। और बहुत ही स्पीड से आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये मेरे पकौड़ों का प्लेटर बन के रेडी हो गया है जिसमें तीन तरह के पकौड़े हैं और अमेजिंग हरी चटनी है। मैं बैठ के इसे एंजॉय करने वाली हूँ। आप लोग भी जाइए और ये रेसिपी देख के अपने घर पे पकौड़े बनाइए और बारिश का लुत्फ उठाइए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट्स मोर।